लाइफ में क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है, वरना आप इधर उधर भटकते रह जाते हो। पर हमें भटकना नहीं है, इसलिए हम चश्मा ठीक कराने अपना आए हैं। और तेरा कैसा? मेरे को तो नया ही लेना, क्योंकि आई साइट ज्यादा ही मतलब सर के ऊपर चली गई, इतनी बढ़ गई है। और बाकी हम एडिटिंग पे भी लगे रहते थे तो कंप्यूटर पे से तो कंप्यूटर पे सर फोड़े रहते हैं, जिसकी वजह से घर वाले भी परेशान हैं। ये तो पागलपन नहीं है? पहले तो स्क्रीन में लगे रहो, फिर चश्मे का नंबर बढ़ाते रहो। अगर तुम अपने चश्मे का खर्चा कम करना चाहते हो ना, चुपचाप रोज गाजर का जूस पिया करो। बस तुम्हें कंट्रोल करना होगा अपने पबजी पे। और मेरा साल पता नहीं कितनी सदियां हो गई है, चश्मा टेढ़ा है। और पर अभी हमारे पेपर चल रहे थे, इसका खत्म, हम दोनों के खत्म हो गए, पर तरुण के अभी भी चल रहे हैं, तो इसलिए तरुण अपने घर पे बैठ के पढ़ रहा है। ऑल द बेस्ट। तो पेपर में ना ये सारे छोटे मोटे काम टलते रहते हैं, इसलिए अब जो पेपर खत्म हो गए तो हमने सोचा सारे नक्की करे काम खत्म करो यार। चलो हाँ चलो हो जाएगा, कोशिश करना पड़ेगा इसको। मैं भी निकला है कहीं बाहर जा रहा था डाल देना यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। किस पे लगा रखे ऊपर छतरी? माइक है भैया, माइक। भैया आपकी सारी आवाज है ना वो इससे आएगी। और ये बड़ा पावरफुल होगा, मस्त है ना? बहुत पावरफुल है, बहुत सुंदर लग रहा है। और कुछ टिप्पणी इस कैमरे पे? ये टांग है क्या इसका? हाँ भैया ये छतरी है और ये टांग। अब मेरे को ये भी लग रहा है कि ये नंबर बड़ा है। नंबर बढ़ा है, चेक करके पता कर लेते हैं। ये रैंक पर पा रहे हो अब, अच्छा है, ये बेटर है, ये आपका नया नंबर। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ए दिल तू बता रे। मेरा ऑलमोस्ट दो है ना, तो मेरे को जो लग रहा था कि मैं खाली चश्मा सीधा करवाने आया हूँ, टर्न्स आउट कि मेरा एक नंबर बढ़ गया है। You've been promoted, bro. Yes. अब मैं नया लेंस लगवाया है और अब मैं दो नंबर ही हूँ, सिलेंड्रिकल माइनस दो। पौने दो, पौने दो बज रहे हैं अभी, 15 मिनट रहते हैं अभी दो बजने में। भैया कह रहे इतना गंदा जोक। भैया क्या कहना चाहोगे आजकल की जनरेशन जो कंप्यूटर पे लगी रहती है और फिर यहाँ पे आती है? मैं नेटफ्लिक्स इंस्टॉल करता हूँ आप? नहीं, ये रात रात को ना उसी से चश्मा नेटफ्लिक्स देख के। पर हमारा काम भी कंप्यूटर पे है ना, ये वीडियो कैसे बनेगी? कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे आंखें फोड़नी पड़ती हैं। मेरे आंखें फोड़े कोई काम ही नहीं। सही बात है, भैया तो बोलेंगे भैया का तो धंधा चल रहा है इसी बात पे। लोगों की आंखें खराब है तो भैया का धंधा चालू है। आप लोग नहीं आएंगे तो धंधा कैसे चलेगा? सही बात है, पर भैया आते रहेंगे, बड़े प्यारे भैया। कभी आंख खराब होगा कभी शॉप के लिए चाहिए। ओके भैया बाय, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, बाय। हाँ भाई, तो चश्मा बन के आएगा कल। और एक अपडेट है कि हम निकल रहे हैं एक ट्रिप पे अगले हफ्ते ही, मतलब 28 है, हम 21 को निकल रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा अगले हफ्ते नहीं, 3 दिन में। हाँ 3 दिन में भाई, अगले हफ्ते भी क्या। तो हमने सोचा कि जाने से पहले एक वीडियो ड्रॉप कर दे, क्योंकि फिर तो हफ्ता हम उधर ही बाहर ही होंगे, तो आके फिर तो ट्रैवलॉग सीरीज आएगी आएगी, बट उसमें फिर लेट हो जाता, इसलिए हमने सोचा थोड़ा बता दे कि चश्मा वश्मा ठीक हो रहे हैं। पर कुछ टाइम पहले मैं, तरुण, करण हम तीनों गए थे थोड़ा खेलने कूदने। हाँ। तो उस टाइम का पूरा एक सीक्वेंस पड़ा है हमारे पास, काफी कुछ हुआ था उसमें, काफी ऋषभ के साथ। आओ फिर थोड़ा जी ले वो अपने वो पल। बचपन कितना सही होता है ना, इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे। ऋषभ एक बार कर, अरे पैंट फट गई, अब तो सोचना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। दिखा एक बार।
हाँ भाई ऋषभ, क्या हाल है नीचे का? हवा वबा आ रही है अंदर? हुआ क्या जरा हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताइए। एंड में थोड़ा सा धमाका हो गया, वो बहुत फ्लिपे मार रहा था ऋषभ, तो फ्लिपे यहाँ से निकली हैं। भैया पता लग रहा है कि इसकी पैंट फटी हुई है? भैया शर्मा जाएंगे। कुछ कहना चाहते हो? आजकल लोग ऐसे नंगे घूम रहे हैं। घूम रहे तो भाई वो तो आजाद है ना। अरे अरे पता लग रहा है कि इसकी पैंट फटी हुई है? ठीक लग रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो ऐसे घूम सकते हैं ना। आपको कंफर्टेबल है तो इससे छोड़ के। अब बताओ कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है भाई साहब। हाँ आजकल पूरा फैशन ऐसे ही आ रही है। हाँ तो आप भी पहनोगे ना? हम तो बुजुर्ग आदमी क्या पहनेंगे भाई साहब, अब तो बच्चे लोग ऐसे बच्चे ना। अच्छा अच्छा, क्या बुढ़ा आदमी फैशन कर भी चलता है। सही है सही है। जय हिंद। ओके भूख लग रही है बहुत तेज, पर प्रायोरिटी है इज्जत। तो पहले इज्जत को प्रायोरिटी देते हैं। अभी हम एक मॉल जा रहे हैं जहाँ से हम लेंगे ऋषभ का कच्चा। हटो हटो, पैंट फटी वही पैंट फटी। वो बैग दिखाइयो अपना ऋषभ, बैग दिखाइयो। मैं तो इससे ज्यादा दिखा नहीं सकता, कुछ और दिख जाएगा। ये बीच में चल रही है गाइस, घंटा हो गया ऋषभ नंगा घूम रहा है सड़कों पे। कुछ शर्म नहीं है? अरे ब्लू है, मैं ब्लू पहनूं? ब्लू पे ऐसे पहनूं? भाई बैगर्स आर नॉट चूजर्स। इस टाइम पे तो ये नहीं कह सकता कि मैं ये क्यों लूं, मैं वो क्यों लूं। यार दिक्कत ये है कि डीके अर्बन वालों के पास मेरा साइज ही नहीं है। हाँ एल मुझे बहुत छोटा है, एक्सएल बहुत बड़ा। और अब ये अब तो दिखा सकता है तू अपने पूरे बदन। इसको बिलिंग करने के लिए उतारना पड़ेगा। और क्या बेवकूफ, ऐसे नहीं कर देंगे वो। मजाक नहीं कर रहा मैं, बिलिंग ऐसे कर देंगे। पहले बिलिंग करना पड़ेगा, फिर पहनो। चक्कर ही मारता हूँ। पता यहाँ पे आंटी कोई नहीं है। दीदी फाइनली मुझे मेरा साइज मिल गया और अब मैं खुश हूँ। I'm a happy man again. Back to normal life. कैसा लग रहा है? काफी अच्छा, काफी कंफर्टेबल, काफी बंद। अभी हम आए हैं मैकडी और अभी इतने थके हारे हुए हैं, बहुत भूख लगी है कि मेरा मन नहीं कर रहा ऑर्डर जाने का। नाश्ता कर रहे हैं ना मेरा? चलो अब हम कम करेंगे कि कौन दो लोग जाएंगे। देख मैंने जाऊँगा, मेरी पैंट फटी थी। देखो थोड़ी सी क्या तो है? तो मेरी सिंपति तो दो भाई, जो एक अलग आए हो जाएगा। 1 2 3 चल जा। हाँ तो दिन हो गया, पूरा खाना वाना खा लिया, सब मजा आ गया। हमें ऐसा हो रहा है कि बचपन की यादें आ गई। बहुत चीजें होती हैं कि हम बड़े होते होते ना भूल जाते हैं, ये तो फन हो ही नहीं सकता, पर ये भी फन हो सकता है। ये एक्सपीरियंस हो गया आज, मतलब बड़े हो गए ना, सबको अगर मन भी करता है ना फन करने का तो ये लगता है नहीं वो क्या कर लेते हैं। नहीं नहीं ये कि क्या बच्चे वाली हरकतें करें, हम अब हम बड़े हो गए हैं, उनके ख्याली वर्ल्ड में वो बड़े हो जाते हैं। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। थोड़े तुम बड़े होके भी कूद सकते हो, कूदो कुछ बड़े होके भी थोड़ा बचपना अपने अंदर रखो। हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूदो हमें कुछ करने को था नहीं तो हम कूद लिए। सो कूदोस टू यू। चलो इसी पन के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं। एंड इफ यू लाइक द व्लॉग गिव द थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी सी यू वेरी सून। टिल देन अभी हमें 1.5 घंटा और अभी वापस जाना है। अभी हम गुड़गांव में हैं, अपने घर से बहुत दूर है, बहुत दूर है। पर कोई बात नहीं, हमारा घर दूसरी साइड ऑफ मेट्रो लाइन है, मतलब लिटरली एकदम ऑपोजिट एक्सट्रीम। हां चलो बहुत हो गया। ओके और हे वेयर द टीन रोल्स। 1 2 3 हे वेयर द टीन रोल्स एंड वी लव यू। तो जो होता है।